स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 1-3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। इनकी जस्टिफिकेशन भी देनी है और करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक हमें चूज करना है। we have given a circle which is having tangent PQ is a tangent and Q is 24 centimeter far away from this point of contact, that is from the tangent, and also Q is 25 centimeter away from center. It is given. We have to find the radius. What is the radius of this circle? Let ओह बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने ओह सेंटर किया, ये लेट किया है इस सर्कल का सेंटर जो ओ है। ओ क्यू इज इक्वल टू 25, इट इज गिवन, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 24, इट इज ऑल्सो गिवन। वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये जो थ्योरम हमने की है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, दैट मीन्स ओ पी क्यू जो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, इंटरेंगल ओ पी क्यू बाई पी जी टी। ओ पी क्यू जो है ये अब राइट एंगुलर ट्रायंगल बनी है। बाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है इसमें, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, विच एम्प्लाइज वट इज ओ क्यू, ओ क्यू इज 25 स्क्वायर, ओ पी इज, ओ पी हमें निकालना है, वट इज पी क्यू, दैट इज पी क्यू इज 24। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वी गेट ओ पी इज इक्वल टू 7। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, हिन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन ए जो है That is correct. इसी तरह दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इन फिगर 9.11, ये वाली फिगर, इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, वी हैव गिवन पी टी एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। हियर पी ओ क्यू हमें गिवन है 110, अब हमें निकालना है पी टी क्यू, पी टी क्यू हमें निकालना है ये किसके बराबर। इन चार ऑप्शनों में एक ऑप्शन हमें चूज करना है। हियर वी हैव गिवन पी टी एंड पी टी एंड क्यू टी आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ये पी टी और क्यू टी टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, that means OP is perpendicular on TP and OQ is perpendicular on QT, which is equal to 90. OP is perpendicular TP and OQ is perpendicular TP, that means OPT is 90 and OQT is 90. OPT is 90 and OQT is 90, this angle is 90. इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू टी पी वी हैव, ये अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनी है, ओ पी टी क्यू। क्वाड्रिलेटरल में हमें, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यह हमें लिखा है ओ क्यू टी प्लस क्यू टी पी, ये वाला ओ क्यू टी क्यू टी पी टी पी ओ पी ओ क्यू, दैट इज इक्वल टू 360। ओ क्यू टी, ओ क्यू टी हमें 90 है, हमें निकालना है क्यू टी पी, क्यू टी पी प्लस
TPO दैट इज 90, POQ दैट इज 110, ये हमें गिवन है 110, दैट इज इक्वल टू 360. वी गेट, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट OTP इज इक्वल टू 70 डिग्री, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसका ऑप्शन बी था, दैट इज करेक्ट, दैट इज बी, दिस द एंगल इज PTQ इज 70 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इनक्लाइनेड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू. अब हमें दो टेंजेंट्स दिए हैं, वी हैव गिवन टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, दैट इज P, दैट इज BP एंड AP, विच आर इनक्लाइनेड टू ईच अदर. ये आपस में 80 डिग्री बनाते हैं. वी हैव टू फाइंड एंगल POA, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये किसके बराबर है. हियर वी हैव गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल. वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है, दैट मीन्स दिस इज 90. इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस टेंजेंट. ये हमने थ्योरम की है, दैट इज OAP इज 90. अब ये क्वाड्रिलेटरल बनी है, OAPB ये क्वाड्रिलेटरल बनी है. नाउ AOBP ये क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360. अब ये एंगल हमें 90 है, ये भी एंगल 90 है, दैट इज ऑल, दैट इज 80, इनक्लाइन टू ईच अदर, ये टेंजेंट्स दो हैं. अब ये वाला एंगल हमें निकलेगा, इसमें हमने वैल्यूज दिए हैं इन एंगलों के. अब निकला है हमें BOA जो है, वी गेट दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री. अब हमें दो ट्राइंगल्स बनी है, वी ज्वाइन OP. जब हमने OP ज्वाइन किया है, दो ट्राइंगल हमें बनी है, दैट इज OBP और OAP. ये दो ट्राइंगल बनी है हमें, और OPB और OPA दो ट्राइंगल. हम इनको कंपेयर करेंगे, वी गेट ओ, और वी कैन से AP इज इक्वल टू BP, और वी कैन से BP इज इक्वल टू AP, BP या AB इज इक्वल टू BP. टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो हमने थ्योरम की है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर हम टेंजेंट्स किसी सर्कल को ड्रॉ करेंगे, दैट दे आर इक्वल. इसी तरह OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, दैट इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. OP इज इक्वल टू OP, विच इज कॉमन. दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. वी कैन से ट्राइंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू OPA. हम ये भी लिख सकते हैं, हिंस POB, ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू POA बाय CPCT, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. वी कैन से POA इज इक्वल वन हाफ ऑफ एंगल AOB. जब ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे, हम लिख सकते हैं POA जो है, ये दैट इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ दिस एंगल BOA और AOB, दैट इज इक्वल टू POA इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ AOB जो हमने निकला है. AOB हमने मालूम ये निकाला है, दैट इज 100, दैट इज POA इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, दैट इज 50 डिग्री. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट है, दैट इज 50 डिग्री. थैंक यू, आज इतना ही.